नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इचिनेशिया के बारे में जानकारी दूंगा और ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आपको पता है, बहुत अलग अलग बीमारियों में और रोज़मर्रा की जो बीमारियाँ हैं, डेली जो बीमारियाँ होती रहती हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा ये होती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग करते हैं तो कैसे, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आप इसे पी भी सकते हैं क्या, आप इसे लगा भी सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो इचिनेशिया मदर टिंचर को यूज़ करने का तरीका और साथ ही साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ बताऊँगा। तो आज इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव है कि आप, अगर आपकी क्लिनिक है तो आपके पास होगी और रेगुलर यूज़ होगी। अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत बार इचिनेशिया का उपयोग करना होगा अलग अलग प्रॉब्लम्स में। ये इतनी इफ़ेक्टिव दवा है, तो बहुत कॉमन बीमारियों को ये ठीक करती है और बहुत जल्दी ये ठीक करती है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कई बार मैसेज सेक्शन में एक फेक अकाउंट से, मतलब वहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी रहती है, नाम लिखा रहता है और फिर आगे कुछ नंबर लिखा रहता है या कोई आईडी, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम आईडी या कुछ भी ऐसा लिखा रहता है और नीचे से लिखा रहता है कि इस नंबर पर संपर्क करें, इस नंबर पर कॉल करें या इस नंबर पर आपको मेडिसिन मिल जाएगी या इस नंबर पर डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ये फेक अकाउंट से आपको मैसेज कभी कभी आ जाता है, अब तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आ जाए तो आप बिल्कुल भी उससे संपर्क ना करें और फेक अकाउंट से ज़रूर आप बचें। तो कोई भी अगर आपको अपना नंबर दे तो आप उसे संपर्क करने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करें, अगर वो मैसेज सेक्शन में आपको अपना नंबर देता है इस वीडियो के। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो चालू करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इचिनेशिया, ये प्लांट किंगडम की दवा है और इसका प्लांट बहुत खूबसूरत है और इतनी ही खूबसूरत ये दवा है। ये मैं अपने क्लिनिक में, मैं अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो बहुत ज़्यादा बुकिश नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस जो मेरे क्लिनिक में मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, कौन कौन सी बीमारियों में देता हूँ, कैसे देता हूँ इचिनेशिया, ये मैं आपको बताऊँगा। तो मैं अपने क्लिनिक में इचिनेशिया लगभग हर दिन यूज़ करता हूँ, लगभग क्या, हर दिन यूज़ करता हूँ, और लगभग 4-5 पेशेंट में से एक पेशेंट को इचिनेशिया मदर टिंचर देता ही हूँ। इसका कारण बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कैसे, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका एक्शन जानेंगे कि ये करती क्या है, कैसे ये बीमारियों को ठीक करती है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। उसके बाद मैं बीमारियाँ बताऊँगा और इचिनेशिया मदर टिंचर को उपयोग कर, कैसे उपयोग कर सकते हैं ये बताऊँगा। सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन। तो दोस्तों, इचिनेशिया मदर टिंचर एज अ एंटीबायोटिक, मतलब आपका इन्फेक्शन को ये ठीक करती है। तो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन है, उसके कारण आपको बुखार भी आ सकती है, उसके कारण आपको सुस्ती भी लग सकती है, उसके कारण आपका सर दर्द कर सकता है, उसके कारण आपका पैर दर्द कर सकता है, उसके कारण आपको फोड़े फुंसियाँ भी हो सकती हैं, उसके कारण आपको पिंपल्स भी हो सकते हैं, उसके कारण आपको मुंह में छाले भी हो सकते हैं। तो अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया के कारण, कीटाणु के कारण या जीवाणु के कारण इन्फेक्शन होता है, तो आपको अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और ये सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। तो इन्फेक्शन को ये ठीक करती है, सबसे पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इचिनेशिया मदर टिंचर को लेने से आपकी इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो मोस्टली अगर आपका WBC काउंट कम रहता है या आपका WBC उतना अच्छा एक्टिव नहीं है, जिसके कारण आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, कभी कभी बच्चों को भी बार बार इन्फेक्शन होता है या बड़ों को या हमारे बुज़ुर्गों को बार बार इन्फेक्शन होता है, तो ये हमारे शरीर, अगर आप इचिनेशिया मदर टिंचर लेंगे ना, तो ये हमारे
शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, और इसके बाद क्या होगा कि आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, आपको बार बार बुखार भी आ सकता है, या बार बार सर्दी भी हो सकती है, या बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको अगर बार बार होता है तो आपको इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है दोस्तों। ये दो तरह से असर करती है, आपको अच्छे समझ में आ गया। पहला, ये आपके ब्लड के इन्फेक्शन को ठीक करती है, अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन है आपके ब्लड में तो उसे ठीक करती है, इन्फ्लामेशन सूजन को ठीक करती है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ये था इसका एक्शन। अब सीधा चलते हैं कि किस किस बीमारी में और कैसे आप इचिनेशिया का यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनली बात करेंगे, मतलब हम अगर इचिनेशिया मदर टिंचर पीते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह के इन्फेक्शनल डिसीजेज में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, बुखार आ गई है, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। अगर आपको खांसी आ रही है, लंग्स में इन्फेक्शन है, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। बहुत कॉमन आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। किसी भी तरह के इन्फेक्शनल कंडीशन में, मतलब अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात कि किसी भी तरह के एलर्जिक कंडीशन में, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, किसी भी तरह के एलर्जी की कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर यूज़ करें। अगर आप एडल्ट हैं तो लगभग 20 बूंद आधे कप पानी में लें। इसे आप दिन में 3 से 4 बार ज़रूर लें। तो आधा कप पानी लीजिए, उसमें 20 बूंद डालिए। ये कप तो थोड़ा बड़ा है, छोटा कप लीजिएगा जिसमें चाय पीते हैं, और उसके बाद आधा कप पानी लीजिए, इचिनेशिया मदर टिंचर 20 बूंद डालिए और उसे आप पी लीजिए, बस 3 से 4 बार। इससे आपका धीरे धीरे इन्फेक्शन कम हो जाएगा। इन्फेक्शन कम होने के कारण जो भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, खांसी है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन्फेक्शन के लिए और इन्फेक्शनल डिसीजेस के लिए। अब एलर्जिक कंडीशन में भी इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, नाक बहती है, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा, और आँखों से आंसू आते हैं बहुत ज़्यादा, गले में खराश बहुत ज़्यादा है, तो भी आप इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग कर सकते हैं। 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। ये दवा एलर्जी में अगर आप ले रहे हैं तो इसे कंटिन्यू यूज़ करना होगा, और कम से कम 3 से 4 महीने इसका उपयोग ज़रूर से करना होगा। अब अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या पेट का इन्फेक्शन है, कई बार पेट में इन्फेक्शन होता है तो आँव आती है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, आईबीएस की समस्या होती है, इचिनेशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन हो सकती है। तो इचिनेशिया मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना चाहिए। क्रॉनिक इन्फेक्शन की कंडीशन में, देखिए एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, आपको बुखार आ गई, तो उसमें आप इसे लगातार लें, हर 3-3 घंटे में लेंगे। लेकिन अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, मान लीजिए अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, या किसी तरह का पेट का इन्फेक्शन है, या किडनी में यूरिन इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुराना इन्फेक्शन है, बार बार आपको ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग आप दिन में 2 बार करें, सुबह शाम करें, और थोड़ा सा कम लें। जैसे 20 बूंद एक्यूट में ले रहे हैं तो 10 बूंद इचिनेशिया मदर टिंचर क्रॉनिक में लीजिए, आधे कप पानी में डाल के आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको क्रॉनिक यूरिन इन्फेक्शन है, या क्रॉनिक आपको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी की समस्या है, या सी की समस्या है, क्रॉनिक हो चुका है, तो आप ये मेडिसिन ज़रूर ले सकते हैं। इससे रिकवरी बहुत अच्छे से होती है और आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इसके साथ और भी आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं सिम्टोमेटिक, लेकिन मैं इचिनेशिया मदर टिंचर एज अ इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवा है, लेकिन साथ में आपको कुछ ना कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन ज़रूर होम्योपैथी की ऐड करनी चाहिए, या कोई आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप इचिनेशिया मदर टिंचर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो साथ में आपको कोई ना कोई सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ऐड करना चाहिए अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लेकिन इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग
ज़रूर करना चाहिए। मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन्फेक्शन के लिए। एक सिनेरियो ये होता है कि किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में ही आ जाता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी को बार बार सर्दी हो रही है, या किसी को बार बार खांसी हो रही है, किसी किसी को बार बार बुखार हो रही है, या किसी को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो इचिनेशिया मदर टिंचर को आप 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालें और सुबह और शाम पिएं। इससे आप लगातार पियेंगे 3 से 4 महीने तक, तो आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा। कम से कम 1 महीने ज़रूर इसका उपयोग करें, बहुत ही बढ़िया दवा है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 5 से 6 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। और सबसे ज़रूरी, इसके साइड इफ़ेक्ट अभी तक मैंने कभी नहीं देखे हैं। मैं हर दिन, जैसा कि शुरुआत में इस वीडियो में बोला कि हर दिन दे रहा हूँ और लगभग 12-13 सालों से दे रहा हूँ ये दवा, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट मैंने अभी तक अपने क्लिनिक में नहीं देखे हैं। तो इन्फेक्शन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। अब किसी को मान लीजिए कि फोड़े फुंसी होते हैं, पिंपल्स की समस्या होती है, या किसी को एक्जिमा है, या किसी को डर्मेटाइटिस है, या ये गैंग्रीन की कंडीशन में बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। तो किसी को मान लीजिए कि मोस्टली डायबिटीज़ हुआ है, शुगर लेवल बहुत हाई था, इसके कारण पैर में गैंग्रीन हो गया है, अब डॉक्टर को वो दिखा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो इचिनेशिया मदर टिंचर लगभग 20 बूंद पिंपल्स वाले और इरप्शन वाले भी, या बाल तोड़ किसी को हो जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इचिनेशिया मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आपको पीना है, और इचिनेशिया मदर टिंचर को ही आपको लगाना भी है। तो मान लीजिए कहीं पर फोड़े फुंसी है या गैंग्रीन है, तो वहाँ पर आप इचिनेशिया मदर टिंचर थोड़े से रुई में आप भिगो लीजिए और वहाँ पर दिन में 3 से 4 बार लगाइए। ये दवा एक्सटर्नली भी बहुत अच्छा काम करती है, खासकर अगर इन्फेक्शन है, पिंपल्स है, फोड़े फुंसी है, गैंग्रीन है, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। तो आप इंटरनली तो आप यूज़ करिए ही, एक्सटर्नली भी ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। तो इचिनेशिया मदर टिंचर का उपयोग आप एक्सटर्नली भी कर सकते हैं और इंटरनली मतलब पीने के लिए भी कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही सेफ़ है, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और आपने कभी ना कभी ये मेडिसिन यूज़ की होगी। अगर यूज़ की है, इसके रिजल्ट्स कैसे आपको मिले ज़रूर मैसेज सेक्शन में मैसेज करिएगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।